एक मर्तबा अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवागर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, और वो हवा जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है, और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाह रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी, यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है, और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है, और वो पहली रात आती है, और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं, उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाया कर रहे होते हैं।